हाय व्हाट्सअप गाइस। सो या आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सट्रैक्शन मूवी, जहाँ पे हमें दिखाया जाएगा टाइलर कैसे एक ऑस्ट्रेलिया का सोल्जर बांग्लादेश और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट लेके कैसे उधर आके बहुत खतरनाक तरीके से फाइट करेगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है वो भी आने वाला है इसी साल के अंदर। सो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। सो या पार्ट 1 स्टार्ट होता है हमें दिखाते हुए जो टाइलर है वो एक ब्रिज पे फाइट कर रहा होता है कुछ मतलब टेररिस्ट टाइप लोगों से, और गुंडे लोग होते हैं और उनको ये मारते मारते बहुत ज़्यादा घाई हो गया होता है, और इसके ऊपर मतलब एक स्नाइपर ने गोली से मार दी होती है। तभी जाके एक कार के पीछे आके छिप जाता है और अपने गन को रीलोड करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, मुंबई के एक स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का होता है, उसका नाम होता है ओवी महाजन, और ये बहुत ही अमीर घराने से होता है। ये लोग का स्कूल छूटता है और ये लोग कार में बैठ के एक कैफ़े में जाते हैं, और उधर ना इस ओवी महाजन को एक लड़की पसंद करती होती है। तब इसके जो ओवी महाजन होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, ये लोग कहते हैं ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, जाओ तुम इससे बात करो। लेकिन जो ओवी होता है बहुत ही शर्मीला लड़का होता है, ये जाता नहीं है उससे बात करने। उसके बाद ये घर को आता है, मतलब घर पहुँचता है, लेकिन इधर दिखाया जाता है हमें एक और न्यू कैरेक्टर जो कि है सज्जू, और इनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है लाइक जो ओवी है उसका ख्याल रखने का है। मतलब जो ओवी के फादर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर होते हैं, और इनको जेल में डाल दिया गया होता है, मतलब ये पकड़े गए होते हैं इसीलिए ये सेंट्रल जेल में होते हैं, और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सज्जू के ऊपर भरोसा करते हैं और कहते हैं सज्जू को कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को बचाने की कॉन्ट्रैक्ट दी है और उसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। इसीलिए जो सज्जू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं टाइमिंग्स का, और बोलते हैं ओवी से तुम अगली बार से कभी घर को लेट मत आना क्योंकि तुम जानते ही हो हम लोग के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नज़र है, वो लोग कभी भी तुम्हें दिक्कत पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त, जहाँ पे जो ओवी होता है उसका प्लान होता है शाम को घर से भागकर वो जाएगा एक कैफ़े के अंदर नाइट आउट पार्टी करने का प्लान इन लोगों का होता है, और उधर हमें दिखाया जाता है एक घर से भाग भी जाता है बिना सज्जू को बताए हुए। अब हमें दिखाया जाता है पार्टी के अंदर जो ओवी होता है वो फिर से उसी लड़की को देखता है, और ओवी के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं जा इससे आज तो बात कर ले, लेकिन फिर से जो ओवी होता है डर के मारे शर्मा जाता है और उससे जाता नहीं है बात करने। इसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसे बाहर ला के सिगरेट पिलाता है, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और आते ही कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओवी के दोस्त को डायरेक्ट लोग शूट कर देते हैं और जो ओवी होता है उसे इधर से किडनैप करके लेके चले जाते हैं। आगे हमें पता चलता है वो लोग बांग्लादेश के गुंडे होते हैं ना कि कोई पुलिस वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो खबर है ये पता चलती है मिस्टर महाजन को, मतलब जो ओवी के फादर हैं उसे पता चलती है। अब ये बात करने के लिए जो सज्जू होता है मिस्टर महाजन से मिलता है, और मिस्टर महाजन कहते हैं कि देख लो अब तुम्हारे लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया, और वो लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े गुंडे हैं ना कि कोई छोटे मोटे गुंडे हैं, और अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो ध्यान रखना तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा भी परिवार है, वो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। इस बात को सुनने के बाद जो सज्जू होता है वो कहता है सर आप टेंशन मत लो, आपने मुझे इतना पैसा दिया है मैं कैसे भी करके आपके बेटे को सही सलामत आपके नज़रों के सामने ला के रखूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर महाजन होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैंने बहुत पैसा दिया है लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसे सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, और अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ, अब जितना पैसा मैंने पहले तुम्हें दिया था उसी पैसे पे तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। अब जो सज्जू होता है वो आता है अपने घर और अपने पत्नी से बात करता है, मेरे जो बॉस थे मिस्टर महाजन उनका बेटा किडनैप हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए, और ये मतलब इधर दिखाया जाता है हमें ये अपने पत्नी को बाय बोल के इधर से जाने वाला होता है और कुछ प्लान ही बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट सीन टाइलर का, जो टाइलर होता है वो सो रहा होता है और जैसे इसकी नींद टूटती है वो अपने पहाड़ से भाई पहाड़ से जंप करके नीचे पानी के अंदर कूद के मेडिटेशन करने लगता है। उसके बाद इसे कॉल आता है निक का, और ये जो निक होती है ये इसकी एक्चुअली एक डीलर होती है, मतलब निक खान जो है लड़की है इसका नाम, और ये एक्चुअली एक डीलर होती है हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट ला के अपने इस टाइलर को देती है, और दिखाया जाता है जो टाइलर को बताती है कि बांग्लादेश में एक गुंडे ने जिसका नाम है अमीर आसिफ उसने
मिस्टर महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है और हम लोगों को अब उस बेटे को बचाना है। इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए। अब दिखाया जाता है टाइलर है इस एक टीम को रेडी करता है और सारे डिटेल्स को ये लोग बताते हैं। लाइक जो टाइलर की टीम होती है वो लोग उन किडनैपर के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें उस बच्चे को सेफली हमें दे देना है। अब यही दिखाया जाता है, मिशन का नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन। और जो टाइलर होता है मिशन में पहुंच जाता है बांग्लादेश और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये उन किडनैपर को कॉल लगाता है, किडनैपर लोग बुलाते हैं इसे और जो टाइलर होता है उधर पहुंच जाता है। इसने बहुत सारे अपने स्नाइपर्स को इधर छिपा के रखा होता है टाइलर ने अलग अलग बिल्डिंग पे। और दिखाया जाता है अब ये जो किडनैपर लोग होते हैं वो लोग लेके जाते हैं टाइलर को उस बच्चे के सामने, लेकिन उतने में ही जो स्नाइपर होते हैं उन सारे किडनैपर्स को गोली लगते हैं मारने। और जो टाइलर होता है ये भी अपना कमाल दिखाता है इधर, इन सारे किडनैपर्स को बहुत कुत्तों की तरह मारता है और जो ओवी होता है उसे बचा लेता है जाके। ओवी पहले डरता है कि ये कौन है, लेकिन टाइलर बताता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इधर से एकदम सुरक्षित बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसा मिशन था वैसा ही ये लोग करते हैं। टाइलर को इसने मतलब उधर से किडनैपर्स लोगों से बचाने के बाद ये अपने टीम के पास कॉल करता है और जो खान होती है वो कहती है तुम जंगल के पास आओ, उधर हमारी बोट आ जाएगी, उसमें से तुम लोग बैठ के भाग जाना। अब दिखाया जाता है जो टाइलर है उसी जंगल के पास पहुंच जाता है और ये लोग बोट पे देखते हैं कुछ कमांडर्स लोग आते हैं और वो जो कमांडर्स होते हैं वो उन बोट के अंदर जितने भी टाइलर के आदमी लोग बैठे थे उन सबको मार देते हैं। और जो इधर से खान होती है वो कॉल करके कहती है टाइलर को ध्यान रखो बोट के अंदर कोई और घुसपैठिया घुस चुका है और हमारे आदमियों को मार रहा है, तुम बोट में मत जाना। इतने में दिखाया जाता है टाइलर और ओवी के ऊपर भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हमें रिवील होता है जो सज्जू है ना, सज्जू ने अपने टीम को लाया था और ये हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर। अब गाइस हमें थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी रिवील होती है, जो सज्जू है उसने तो पहले निक खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी जो बच्चा है उसको बांग्लादेश से बाहर निकालना है और जैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो लोग आएंगे पैसा देना पड़ेगा टाइलर को उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन गाइस जो सज्जू होता है उसने एक इधर माइंड प्लानिंग गेम खेला था, पहले तो आमिर आसिफ से लड़ने के लिए टाइलर को भेज दिया और जैसे बच्चा आया इसने सोचा कि टाइलर को ही मार देते हैं और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और जो ओवी है वो भी हमारे हाथ आराम से लग जाएगा। लेकिन जो टाइलर होता है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो पहचान जाता है ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। और जो ओवी होता है वो भी सोचता है कि क्यों सज्जू मेरे ऊपर फायर कर रहा है, इसीलिए जो टाइलर होता है ओवी को लेके कार में बैठ के भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर दिखाया जाता है बांग्लादेश की कुछ आर्मी वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं, वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं टाइलर के ऊपर और जो टाइलर होता है बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है। एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच सज्जू भी मारता था और इधर दिखाया जाता है दोनों लोग हार नहीं मान रहे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसे आता है जहाँ पे जो सज्जू होता है वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है और जैसे जब सज्जू पहुँचता है ओवी के ऊपर उसको लेके जाने वाला होता है उसी समय पे टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है। उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी को बैठाता है ट्रक के अंदर और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है लेकिन उसी समय पे टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। अभी तक बांग्लादेश के अंदर हर गली गली में पता चल गया होता है जो टाइलर है एक वांटेड लिस्ट में आ चुका है। और गाइस हमें दिखाया जाता है ये एक जाके कॉल लगाता है निक खान के पास और निक खान को कहता है कि क्यों उस सज्जू ने मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उससे तो हमारी डील हुई थी। लेकिन निक खान बताती है वो पैसा देने के कारण तुम्हें मार के ही ओवी को उधर से बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो तुम्हें मार के बिना पैसे दिए हुए हमारे से उसने डील कैंसिल कर दिया है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। अब जो होता है अपना टाइलर वो कहता है निक खान को कि मैं इस बच्चे को किसी के हैंडल अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन इस बच्चे के खिलाफ है और कौन इस बच्चे के हक में है, कोई भी इस बच्चे को अभी मार सकता है और मैंने जिम्मेदारी ले ली है इस बच्चे की जान बचाने की और मैं कैसे भी करके इसे इंडिया पहुंचा के ही दम लूंगा।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे कुछ बच्चे लोग हमला बोल देते हैं टाइलर के ऊपर, लेकिन जो टाइलर होता है वो जानते ही हो बहुत स्मार्ट तरीके से इनसे डील करता है और ये एक भी बच्चे को जान से नहीं मारता है, सिर्फ इधर उधर फेंक के उधर से बच के एक टनल के अंदर घुस जाता है। और टनल के अंदर घुसने के बाद एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर ना टाइलर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गैरिसन, और वो जो गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम भाई टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को कैसे भी बचा लूँगा। गैरिसन आता है उधर, ये टाइलर को लगता है कि हाँ अब जो है इस बच्चे की जान बच जाएगी। टाइलर जैसे गैरिसन के घर पहुँचता है उस समय पे गैरिसन उसे खाना वाना ऑफर करता है, और जो अपना छोटा ओवी होता है उसको भी खाना खिला के ये लोग भेज देते हैं ऊपर सोने के लिए। अब गाइस ये लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं गैरिसन और टाइलर, क्योंकि ये एक्चुअली में पहले एक छोटा मोटा मिशन में काम किए थे और दोस्त की तरह होते हैं। लेकिन जो गैरिसन होता है ना वो एक गेम खेल देता है इधर टाइलर के साथ, और टाइलर को कहता है कि जानते हो तुम्हारी जान और मेरी जान और सबकी जान की आफत ये छोटा ओवी है, इसको अगर हमने मार दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने डील किया है आमिर आसिफ से। अब गाइस इधर टाइलर को ना बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो टाइलर है उसने सोचा था ये जो गैरिसन है वो तो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे दुश्मन से कैसे डील कर सकता है। जो गैरिसन होता है वो तैयार हो जाता है ओवी को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच में टाइलर आके उसे रोकने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है। और आप तो जानते ही होंगे टाइलर कितना ज़्यादा घायल हो गया है, क्योंकि यार इसने बहुत लोगों से फाइटिंग किया, पहले तो गुंडों से फाइटिंग किया, उसके बाद टेररिस्ट से फाइटिंग किया, उसके बाद सज्जू से फाइटिंग किया था। इसका भाई एक एक पुर्जे पुर्जे में दर्द थी बॉडी के, इसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी टाइलर को, इसीलिए जो गैरिसन होता है टाइलर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और टाइलर को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय पे जो ओवी होता है वो एक गन लाके गैरिसन को शूट कर देता है, और गाइस इधर दिखाया जाता है जो गैरिसन है वो मर चुका है और जो टाइलर होता है उसकी जान बच गई है। लेकिन ये बात होने के बाद जो टाइलर होता है ना सच्ची में उसे बहुत बड़ी सदमा लग जाती है, क्योंकि टाइलर ने अपने दोस्त पे भरोसा किया था और अब उसके दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया। तो टाइलर ना अब ऐसा सोच लिया था कोई भी इस मिशन पे भरोसे के लायक नहीं है, और जो भरोसे के लायक है तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है सज्जू, क्योंकि सज्जू को भी ओवी की जान बचानी है और टाइलर को भी ओवी की जान बचानी है। इसीलिए जो टाइलर होता है सज्जू को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हें मैं ओवी दे दूंगा और कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इस बच्चे की जान बचाना, ओके। तो अब जो टाइलर होता है वो उनसे मिल जाता है, मतलब सज्जू के साथ टीम अप कर लेता है, और सज्जू जो होता है वो कहता है तुम टेंशन मत लो इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारी पूरा हेल्प करूंगा, और कैसे भी करके हर एक चेक पॉइंट पे सब ऑफिसर्स की ध्यान भटका के इस बच्चे की हम लोग कैसे भी करके जान बचाएंगे। अब गाइस ये जो टीम अप थी ना यार बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं। अब जैसे चेक पॉइंट आता है जो सज्जू होता है वो एक ऑफिसर से पकड़ा जाता है, क्योंकि वो ऑफिसर उनको पहचान लेता है। अब इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो सज्जू होता है ये भी आप जानते ही हो कम खतरनाक नहीं होता है, इसके ऊपर एनिमी लोग हेलीकॉप्टर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उधर ही दिखाया जाता है जो निक खान होती है वो भी अपने टीम को ला दी होती है और उस हेलीकॉप्टर को ये लोग उड़ा देते हैं, और जो सज्जू होता है वो बच जाता है। लेकिन इधर ही एक स्नाइपर होता है जो कि आमिर आसिफ का होता है, और वो ना सज्जू को शूट कर देता है और इधर सज्जू की जान चली जाती है। अब इसके सामने सिर्फ टाइलर बचता है, ये टाइलर के कंधे में भी शूट कर देता है शोल्डर में, लेकिन इतने तक जो निक खान होती है उसे स्नाइपर की लोकेशन पता चल गई थी और निक खान ने शूट करके उस स्नाइपर को मार दिया होता है। लेकिन अब दिखाया जाता है जो टाइलर है वो पहुंचने वाला है निक खान के टीम के पास, लेकिन उधर ही वो आपको याद है जो बच्चा आया था उस बच्चे ने टाइलर को शूट कर देता है, और जो टाइलर होता है वो ब्रिज से पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो इधर निक खान की टीम होती है वह लोग ओवी को इधर से रेस्क्यू करके चले जाते हैं, और आमिर आसिफ ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है अपनी निक खान, क्योंकि ये अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे सोल्जर टाइलर को खो चुकी है इस मिशन के अंदर। लेकिन आप तो जानते ही होंगे जो निक खान है वो हार नहीं मानने वाली होती है, वो एक ऐसे मतलब लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे आमिर आसिफ होता है, और उधर ही ये पहुंच के आमिर आसिफ को शूट करके मार देती है जान से। ये इसने बदला ले लिया होता है टाइलर का, क्योंकि टाइलर मर चुका है इसको लग रहा होता है। उधर ही दिखाया जाता है जो ओवी होता है वो 8 महीने होने के बाद, मतलब ये सारा मिशन ख़त्म हो चुका है और इसकी नॉर्मल लाइफ अब चल रही होती है, उधर ये स्विमिंग पूल में जंप करता है। लेकिन जैसे ये मुड़ता है तो इसकी जो खुशी होती है वो रुके से रुकी नहीं जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि जो टाइलर है वो अभी तक मरा नहीं है और टाइलर अभी जिंदा है। और गाइस ये होती है मूवी की एंडिंग, और ऐसे में दिखाया जाता है जो टाइलर है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तो गाइस या आपको अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा
तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी 2 के ऊपर, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मूवी 2 होने वाली है वो आने वाली है इसी साल के अंदर। और देखते हैं गाइस टाइलर का जो मिशन है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जानते ही हो अब जो आमिर आसिफ है मेन विलन था बांग्लादेश का जिसने किडनैप किया था ओवी को, वो मर चुका है। और पार्ट 2 के अंदर क्या हमें ये सारे कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ टाइलर और निक खान का ही टीम देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस हमें तो लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको जैसे कि पता है रणदीप जो हुड्डा आता है जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे वो भी मारे गए हैं इस मिशन के अंदर, इसीलिए अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो टाइलर है और निक खान की टीम है। और गाइस चलिए हम लोग देख ही लिया जाए सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है उसका रिलीज डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आरी। सो या गाइस जो रिलीज डेट होने वाली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की वो है 16 जून 2023। या गाइस ये थी अबाउट एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो को अब एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूँ जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आता है और बोरिंग पार्ट होता है ऑब्वियसली हर वीडियो का, जो कि मेरे वीडियो होते हैं। सो या गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रैक्शन 2 का क्रू एंड कैस्ट, क्योंकि कैस्ट का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर मूवी के रिलेटेड। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन 2 मूवी आने वाला है 16 जून 2023 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो या हम लोग देखेंगे उस मूवी को, जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्रिस हेम्सवर्थ जानते हो जो टाइलर का मेन रोल है, मूवी का हीरो है। उसके बाद निक खान भी मूवी के अंदर होंगे पार्ट 2 के अंदर, ओवी महाजन भी होने वाला है पार्ट 2 के अंदर, और न्यू कैरेक्टर्स एज अ कीटा वन भी होने वाली है एक न्यू कैरेक्टर। और उसके बाद याज खान, मेरे को लग रहा है जो याज खान है यही विलन होने वाला है इस मूवी का एक्सट्रैक्शन 2 का। उसके बाद कुटाइसी स्टाफ करके कोई एक न्यू कैरेक्टर आई है, उसके बाद जोरब, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद SEB एंड उसके बाद मरियाना, पता नहीं गाइस कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। सो या हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी का न्यू कैस्ट और एकदम फाइनल कैस्ट के ऊपर, क्योंकि रिलीज डेट आ चुका है और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए। और 100% है मूवी 16 जुलाई को देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। सो या चलो पहले कैस्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया है और उस मूवी का कैस्ट एंड क्रू भी बताना बहुत जरूरी है। सो या जो क्रिस हेम्सवर्थ होते हैं प्ले कर रहे थे टाइलर रेक का, और रणदीप हुड्डा एज अ सज्जू का कैरेक्टर। उसके बाद रुद्राक्ष जायसवाल जो था वो था ओवी महाजन, वो जो लड़का होता है। उसके बाद पीयूष खाटी अर्जुन का रोल। उसके बाद नेहा महाजन एज अ नाइसा रैव। उसके बाद सारा रोमा, वो जो क्यूट गर्ल होती है। उसके बाद प्रियांशु एज अ आमिर आसिफ। उसके बाद जो स्नाइपर आपने देखा था उसका नाम था शाफ्ता फिगर एज अ सिल्वर हेयर्ड कलर मैन, गाइस सिल्वर हेयर्ड कलर मैन। पंकज तिवारी एज अ ओवी महाजन SR, मतलब उसके जो फादर होते हैं ओवी महाजन के। उसके बाद एडम बेसा एज अ याज खान। नहीं गाइस जैसे मैंने बोला था आपको पार्ट 2 के अंदर जो विलन होने वाला है याज खान वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर भी देखा है, तो पार्ट 2 का विलन नहीं हो सकता है। पार्ट 2 का विलन कोई न्यू होने वाला है। एंड गाइस इस मूवी की जो क्रू एंड कैस्ट लिस्ट है बहुत बड़ी है, जो मेन कैरेक्टर्स थे मैंने उन सब लोगों के बारे में आपको बता दिया। एंड ये था अबाउट पार्ट 2 डिटेल्स। सो या अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट पार्ट 2 मूवी का एक्सट्रैक्शन, सो मेक श्योर करो आप कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो। वीडियो गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंडिल एंड बाय बाय, टेक केयर। महाजन होते हैं इसके जो दोस्त होते हैं ये लोग कहते हैं ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, जाओ तुम इससे बात करो। लेकिन जो ओवी होता है बहुत ही शर्मीला लड़का होता है, ये जाता नहीं है उससे बात करने। उसके बाद ये घर को आता है, मतलब घर पहुंचता है, लेकिन इधर दिखाया जाता है हमें एक और न्यू कैरेक्टर जो कि है सज्जू। और इनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है लाइक जो ओवी है उसका ख्याल रखने का है, मतलब जो ओवी के फादर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर होते हैं, और इनको जेल में डाल दिया गया होता है, मतलब ये पकड़। मेरे जो बॉस थे मिस्टर महाजन उनका बेटा किडनैप हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए। और ये मतलब इधर दिखाया जाता है हमें ये अपने पत्नी को बाय बोल के इधर से जाने वाला होता है और कुछ प्लान ही बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, इस बात को सुनने के बाद जो सज्जू होता है वो कहता है सर आप टेंशन मत लो, आपने मुझे इतना पैसा दिया है मैं कैसे भी करके आपके बेटे को सही सलामत आपके नज़रों के सामने ला के रखूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये बात सुनने था डायरेक्ट सीन टाइलर का, जो टाइलर होता है वो सो रहा होता है और जैसे इसकी नींद टूटती है वो अपने पहाड़ से भाई पहाड़ से जंप करके नीचे पानी के अंदर कूद के मेडिटेशन करने लगता है। उसके बाद इसे कॉल आता है निक का,
और ये जो निक होती है ये इसकी एक्चुअली एक डीलर होती है, मतलब निक खान जो है लड़की है इसका नाम, और ये एक्चुअली एक डीलर। के बाद जो मिस्टर महाजन होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैंने बहुत पैसा दिया है लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसे सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा और अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। अब जितना पैसा मैंने पहले तुम्हें दिया था उसी पैसे पे तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। अब जो सज्जू होता है वो आता है अपने घर और अपने पत्नी से बात करता है, जैसा मिशन था वैसा ही ये लोग करते हैं। टाइलर को इसने मतलब उधर से किडनैपर्स लोगों से बचाने के बाद ये अपने टीम के पास कॉल करता है और जो खान होती है वो कहती है तुम जंगल के पास आओ, उधर हमारी बोट आ जाएगी, उसमें से तुम लोग बैठ के भाग जाना। अब दिखाया जाता है जो टाइलर है उसी जंगल के पास पहुंच जाता है और ये लोग बोट पे देखते हैं कुछ कमांडर्स लोग आते हैं और वो जो कमांडर्स होते हैं वो उन बोट के अंदर जितने भी टाइलर के आदमी लोग बैठे थे उन सबको मार देते हैं। और जो इधर से खान होती है वो कॉल करके कहती है टाइलर को ध्यान रखो बोट के अंदर कोई और घुसपैठिया घुस चुका है और हमारे आदमियों को मार रहा है, तुम बोट में मत जाना। इसीलिए जो सज्जू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं टाइमिंग्स का और बोलते हैं ओवी से तुम अगली बार से कभी घर को लेट मत आना क्योंकि तुम जानते ही हो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नज़र है, वो लोग कभी भी तुम्हें दिक्कत पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त जहाँ पर जो ओवी होता है उसका प्लान होता है शाम को घर से भाग कर वो जाएगा एक कैफ़े के अंदर नाइट आउट पार्टी करने का प्लान इन लोगों का होता है और उधर हमें दिखाया जाता है एक घर से भाग भी जाता है बिना सज्जू को बताए हुए। सो यह गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रैक्शन टू का क्रू एंड कैस्ट, क्योंकि कैस्ट का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर मूवी के रिलेटेड और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन टू मूवी आने वाला है 16 जून 2023 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो या हम लोग देखेंगे उस मूवी को, जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन टू लोग दिए हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट ला के अपने इस टाइलर को देती है। और दिखाया जाता है जो टाइलर को बताती है कि बांग्लादेश में एक गुंडे ने जिसका नाम है अमीर आसिफ उसने मिस्टर महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है और हम लोगों को अब उस बेटे को बचाना है, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए। अब दिखाया जाता है मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ, जानते हो जो टाइलर का मेन रोल है मूवी का हीरो है, उसके बाद निक खान भी मूवी के अंदर होंगे पार्ट टू के अंदर, ओवी महाजन भी होने वाला है पार्ट टू के अंदर और न्यू कैरेक्टर्स एज अ कीटावन भी होने वाली है एक न्यू कैरेक्टर और उसके बाद याज खान, मेरे को लग रहा है जो याज खान है यही विलन होने वाला है इस मूवी का एक्सट्रैक्शन टू का। उसके बाद कुटाइसी स्टैफ करके कोई एक न्यू कैरेक्टर आई है, उसके बाद जोरब, उसके बाद आगे में पता चलता है वो लोग बांग्लादेश के गुंडे होते हैं ना कि कोई पुलिस वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो खबर है ये पता चलती है मिस्टर महाजन को, मतलब जो ओवी के फादर हैं उसे पता चलती है सोल्जर, उसके बाद SEB एंड उसके बाद मरियाना, पता नहीं गाइस कुछ कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। सो या हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी का न्यू कैस्ट और एकदम फाइनल कैस्ट के ऊपर क्योंकि रिलीज डेट आ चुका है और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए और 100% है मूवी 16 जुलाई को देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। सो यार चलो पहले कैस्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जस्ट मैंने पार्ट वन को एक्सप्लेन किया है और कहते हैं हम लोग तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें उस बच्चे को सेफली हमें दे देना है। अब यही दिखाया जाता है, मिशन का नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन और जो टाइलर होता है मिशन में पहुंच जाता है बांग्लादेश और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये उन किडनैपर को कॉल लगाता है, किडनैपर लोग बुलाते हैं इसे और जो टाइलर होता है उधर पहुंच जाता है। इसने बहुत सारे अपने स्नाइपर्स को इधर छिपा के रखा होता है टाइलर ने अलग अलग बिल्डिंग पे और उस मूवी का कैस्ट एंड क्रू भी बताना बहुत ज़रूरी है। सो या जो क्रिस हेम्सवर्थ होते हैं प्ले कर रहे थे टाइलर रेक का और रणदीप हुड्डा एज अ सज्जू का कैरेक्टर, उसके बाद रुद्रा आता है उधर, ये टाइलर को लगता है कि हाँ अब जो है इस बच्चे की जान बच जाएगी। टाइलर जैसे गैरिसन के घर पहुंचता है उस समय पे गैरिसन उसे खाना वाना ऑफर करता है और जो अपना छोटा ओवी होता है उसको भी खाना खिला के ये लोग भेज देते हैं ऊपर सोने के लिए। अब गाइज ये लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं गैरिसन और टाइलर क्योंकि ये एक्चुअली में पहले एक छोटा मोटा मिशन में काम किए थे और दोस्त की तरह होते हैं, लेकिन जो गैरिसन होता है ना वो एक गेम खेल देता है इधर टाइलर के साथ और टाइलर को कहता है पाक्स जयसवाल जो था वो था ओवी महाजन, वो जो लड़का होता है उसके बाद। और दिखाया जाता है अब ये जो किडनैपर लोग होते हैं वो लोग लेके जाते हैं टाइलर को उस बच्चे के सामने, लेकिन उतने में ही जो स्नाइपर होते हैं उन सारे किडनैपर्स को गोली लगते हैं मारने और जो टाइलर होता है ये भी अपना कमाल दिखाता है इधर, इन सारे किडनैपर्स को बहुत कुत्तों की तरह मारता है और जो ओवी
ओवी होता है उसे बचा लेता है जाके। ओवी पहले डरता है कि ये कौन है, लेकिन टाइलर बताता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इधर से एकदम सुरक्षित बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊँगा, टेंशन मत लो। पीयूष खाटी अर्जुन का रोल, उसके बाद नेहा महाजन एज अ नाइसा रैव, उसके बाद सारा रोमा वो जो क्यूट गर्ल होती है, उसके बाद प्रियांशु एज अ आमिर आसिफ, उसके बाद जो स्नाइपर आपने देखा था उसका नाम था शाफ्ता फिगर एज अ सिल्वर हेयर्ड कलर मैन, गाइस सिल्वर हेयर्ड कलर मैन, पंकज तिवारी एज अ ओवी महाजन एसआर, मतलब उसके जो फादर होते हैं ओवी महाजन के, उसके बाद एडम बेसा एज अ याज खान, नहीं गाइस जैसे मैंने बोला था आपको। अब ये बात करने के लिए जो सज्जू होता है मिस्टर महाजन से मिलता है और मिस्टर महाजन कहते हैं कि देख लो अब तुम्हारे लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया और वो लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े गुंडे हैं, ना कि कोई छोटे मोटे गुंडे हैं, और अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो ध्यान रखना तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा भी परिवार है, वो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। वो पार्ट टू के अंदर जो विलन होने वाला है याज खान वो नहीं होने वाला है क्योंकि उसे हम लोगों ने पार्ट वन के अंदर भी देखा है, तो पार्ट टू का विलन नहीं हो सकता है, पार्ट टू का विलन कोई नहीं होने वाला है। एंड गाइस इस मूवी की जो क्रू एंड कैस्ट लिस्ट है बहुत बड़ी है, सो जो मेन मेन कैरेक्टर्स थे मैंने उन सब लोगों के बारे में आपको बता दिया। एंड ये था अबाउट पार्ट टू डिटेल्स, सो अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट पार्ट टू मूवी का एक्सट्रैक्शन सो मेक श्योर करो आप कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। गए होते हैं इसीलिए ये सेंट्रल जेल में होते हैं और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सज्जू के ऊपर भरोसा करते हैं और कहते हैं सज्जू को कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को बचाने की कॉन्ट्रैक्ट दी है और उसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अब हमें दिखाया जाता है पार्टी के अंदर जो ओवी होता है वो फिर से उसी लड़की को देखता है और ओवी के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं जा इससे आज तो बात कर ले, लेकिन फिर से जो ओवी होता है डर के मारे शर्मा जाता है और उससे जाता नहीं बात करने। लेकिन आप तो जानते ही होंगे जो निक खान है वो हार नहीं मानने वाली होती है, वो एक ऐसे मतलब लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे आमिर आसिफ होता है और उधर ही ये पहुंच के आमिर आसिफ को शूट करके मार देती है जान से। ये इसने बदला ले लिया होता है टाइलर का क्योंकि टाइलर मर चुका है, इसको अभी तक बांग्लादेश के अंदर हर गली गली में पता चल गया होता है जो टाइलर है एक वांटेड लिस्ट में आ चुका है। और गाइस हमें दिखाया जाता है ये एक जाके कॉल लगाता है निक खान के पास और निक खान को कहता है कि क्यों उस सज्जू ने मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उससे तो हमारी डील हुई थी। लेकिन निक खान बताती है वो पैसा देने के कारण तुम्हें मार के ही ओवी को उधर से बचाने की कोशिश कर रहा था लग रहा होता है। उधर दिखाया जाता है जो ओवी होता है वो 8 महीने होने के बाद मतलब ये सारा मिशन खत्म हो चुका है और इसकी नॉर्मल लाइफ अब चल रही होती है, उधर ये स्विमिंग पूल में जंप करता है, लेकिन जैसे ये मुड़ता है तो इसकी जो खुशी होती है वो रुके से रुकी नहीं जाती है क्योंकि इसे लगता है कि जो टाइलर है वो पैसा देना पड़ेगा टाइलर को उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन गाइस जो सज्जू होता है उसने एक इधर माइंड प्लानिंग गेम खेला था, पहले तो आमिर आसिफ से लड़ने के लिए टाइलर को भेज दिया और जैसे बच्चा आया इसने सोचा कि टाइलर को ही मार देते हैं और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और जो ओवी है वो भी हमारे हाथ आराम से लग जाएगा। लेकिन जो टाइलर होता है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो पहचान जाता है ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो अभी तक मरा नहीं है और टाइलर अभी जिंदा है। और गाइस ये होती है मूवी की एंडिंग और ऐसे में दिखाया जाता है जो टाइलर है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तो गाइस या आपको अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। और चलिए अब हम लोग बात, अब गाइस हमें थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी रिवील होती है, जो सज्जू है उसने तो पहले निक खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी जो बच्चा है उसको बांग्लादेश से बाहर निकालना है और जैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो लोग आएंगे बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी 2 के ऊपर, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मूवी 2 होने वाली है वो आने वाली है इसी साल के अंदर। और देखते हैं गाइस टाइलर का जो मिशन है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जानते ही हो अब जो आमिर आसिफ है मेन विलन था बांग्लादेश का जिसने किडनैप किया था वो, और जो ओवी होता है वो भी सोचता है कि क्यों सज्जू मेरे ऊपर फायर कर रहा है, इसीलिए जो टाइलर होता है ओवी को लेके कार में बैठ के भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर दिखाया जाता है बांग्लादेश की कुछ आर्मी वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं टाइलर के ऊपर और जो टाइलर होता है बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है, ओवी को वो मर चुका है। और पार्ट टू के अंदर क्या हमें ये सारे कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ टाइलर और निक खान का ही टीम देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस हमें तो लगता है नहीं देखने को मिलेगा कि इसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसे बाहर लाके सिगरेट पिलाता है। लेकिन उधर ही दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और आते ही कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओवी के दोस्त को डायरेक्ट लोग शूट कर देते हैं
और जो ओवी होता है उसे इधर से किडनैप करके लेके चले जाते हैं। क्योंकि अभी आपको जैसे कि पता है रणदीप जो हुड्डा होता है जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे वो भी मारे गए हैं इस मिशन के अंदर, इसीलिए अभी सिर्फ सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो टाइलर है और निक खान की टीम है। और गाइस चलिए हम लोग देख ही लिया जाए सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है उसका रिलीज डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यार ये टाइलर है इस एक टीम को रेडी करता है और सारे डिटेल्स को ये लोग बताते हैं। लाइक जो टाइलर की टीम होती है वो लोग उन किडनैपर के पास कॉल लगाते, इतने में दिखाया जाता है टाइलर और ओवी के ऊपर भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हमें रिवील होता है जो सज्जू है ना, सज्जू ने अपने टीम को लाया था और ये हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर। इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर, लेकिन जो टाइलर होता है वो जानते हो बहुत स्मार्ट तरीके से इनसे डील करता है और ये एक भी बच्चे को जान से नहीं मारता है, सिर्फ इधर उधर फेंक के उधर से बच के एक टनल के अंदर घुस जाता है। और टनल के अंदर घुसने के बाद एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर ना टाइलर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गैरिसन, और वो जो गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम भाई टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को कैसे भी बचा लूंगा। गैरिसन होता है वो तैयार हो जाता है ओवी को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच में टाइलर आके उसे रोकने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है कि जानते हो तुम्हारी जान और मेरी जान और सबकी जान की आफत एक छोटा ओवी है, इसको अगर हमने मार दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने डील किया है आमिर आसिफ से इधर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है, एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच सज्जू भी मारता था। और इधर दिखाया जाता है दोनों लोग हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे इसीलिए वो तुम्हें मार के बिना पैसे दिए हुए हमारे से उसने डील कैंसिल कर दिया है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। अब जो होता है आता है जहाँ पे जो सज्जू होता है वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है, और जैसे जब सज्जू पहुँचता है ओवी के ऊपर उसको लेके जाने वाला होता है उसी समय पे अपना टाइलर वो कहता है निक खान को कि मैं इस बच्चे को किसी के हैंडल अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन इस बच्चे के खिलाफ है और कौन इस बच्चे के हक में है, कोई भी इस बच्चे को अभी मार सकता है और मैंने जिम्मेदारी ले ली है इस बच्चे की जान बचाने की और मैं कैसे भी करके इसे इंडिया पहुंचा के ही दम लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे कुछ बच्चे लोग हमला बोल देते हैं, टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है। उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी को बैठाता है ट्रक के अंदर और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन ये बात होने के बाद जो टाइलर होता है ना सच्ची में उसे बहुत बड़ी सदमा लग जाती है, क्योंकि टाइलर ने अपने दोस्त पे भरोसा किया था और अब उसके दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया। तो टाइलर ना उसी समय पे टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। अब ऐसा सोच लेता है कोई भी इस मिशन पे भरोसे के लायक नहीं है और जो भरोसे के लायक है तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है सज्जू, क्योंकि सज्जू को भी ओवी की जान बचानी है और टाइलर को भी ओवी की जान बचानी है। और आप तो जानते ही होंगे टाइलर कितना ज़्यादा घायल हो गया है, क्योंकि यार इसने बहुत लोगों से फाइटिंग किया, पहले तो गुंडों से फाइटिंग किया, उसके बाद टेररिस्ट से फाइटिंग किया, उसके बाद सज्जू से फाइटिंग किया था, इसका भाई एक एक पुर्जे में दर्द हो रही थी बॉडी के, इसको बहुत ज़्यादा। अब गाइस इधर टाइलर को ना बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो टाइलर है उसने सोचा था ये जो गैरिसन है वो तो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे दुश्मन से कैसे डील कर सकता है। चोट लग गई थी टाइलर को, इसीलिए जो गैरिसन होता है टाइलर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और टाइलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय पे जो ओवी होता है वो एक गन ला के गैरिसन को शूट कर देता है। और गाइस इधर दिखाया जाता है जो गैरिसन है वो मर चुका है और जो टाइलर होता है उसकी जान बच गई है। अब जैसे चेक पॉइंट आता है जो सज्जू होता है वो एक ऑफिसर से पकड़ा जाता है, क्योंकि वो ऑफिसर उनको पहचान लेता है। अब इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो सज्जू होता है इसीलिए जो टाइलर होता है सज्जू को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हें मैं ओवी दे दूंगा और कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इस बच्चे की जान बचाना ओके। तो अब जो टाइलर होता है वो उनसे मिल जाता है,
मतलब सज्जू के साथ टीम अप कर लेता है, और सज्जू जो होता है वो कहता है भी आप जानते हो कम खतरनाक नहीं होता है। इसके ऊपर एनिमी लोग हेलीकॉप्टर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है जो निक खान होती है वो भी अपने टीम को ला दी होती है और उस हेलीकॉप्टर को ये लोग उड़ा देते हैं, और जो सज्जू होता है वो इस बच्चे की हम लोग कैसे भी करके जान बचाएंगे। अब गाइस ये जो टीम अप थी ना यार बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं जाता है। लेकिन इधर ही एक स्नाइपर होता है जो कि आमिर आसिफ का होता है, और वो ना सज्जू को शूट कर देता है और इधर सज्जू की जान चली जाती है। अब इसके सामने सिर्फ टाइलर बचता है, ये टाइलर के कंधे में भी शूट कर देता है, शोल्डर में। लेकिन इतने तक तुम टेंशन मत लो, इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारी पूरा हेल्प करूंगा और कैसे भी करके हर एक चेक पॉइंट पे सब ऑफिसर्स की ध्यान भटका के। इसीलिए जो सज्जू होते हैं वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं टाइमिंग्स का, और बोलते हैं ओवी से तुम अगली बार से कभी घर को लेट मत आना, क्योंकि जो निक खान होती है उसे स्नाइपर की लोकेशन पता चल गई थी और निक खान ने शूट करके उस स्नाइपर को मार दिया होता है। लेकिन अब दिखाया जाता है तुम जानते ही हो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नजर है, वो लोग कभी भी तुम्हें दिक्कत पहुंचा सकते हैं। उसके जो टाइलर है वो पहुंचने वाला है निक खान के टीम के पास, लेकिन उधर ही वो आपको याद है जो बच्चा आया था उस बच्चे ने टाइलर को शूट कर देता है, और जो टाइलर होता है वो ब्रिज से पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो इधर निक खान की टीम होती है, बाद में दिखाया जाता है शाम का वक्त जहाँ पे जो ओवी होता है उसका प्लान होता है शाम को घर से भागकर वो जाएगा एक कैफे के अंदर नाइट आउट पार्टी करने का प्लान इन लोगों का होता है, और उधर में दिखाया जाता है एक घर से भाग भी जाता है बिना सज्जू को बताए हुए। सो या गाइस, जो रिलीज डेट होने वाली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की वो है 16 जून 2023। या गाइस ये थी अबाउट एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो को अब एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूँ जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आता है और बोरिंग पार्ट होता है ऑब्वियसली हर वीडियो का, जो कि मेरे वीडियो होते हैं। मेरे जो बॉस थे मिस्टर महाजन, उनका बेटा किडनैप हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए। और ये मतलब इधर दिखाया जा जो कि है सज्जू, और इनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है लाइक जो ओवी है उसका ख्याल रखने का है। मतलब जो ओवी के फादर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर होते हैं, और इनका हमें ये अपने पत्नी को बाय बोल के इधर से जाने वाला होता है और कुछ प्लान ही बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट सीन टाइलर का, लड़का होता है उसका नाम होता है ओवी महाजन, और ये बहुत ही अमीर घराने से होता है। ये लोग का स्कूल छूटता है और ये लोग कार में बैठ के एक कैफ़े में जाते हैं, और उधर ना इस ओवी महाजन को एक लड़की जो टाइलर होता है वो सो रहा होता है, और जैसे इसकी नींद टूटती है वो अपने पहाड़ से भाई पहाड़ से जंप करके नीचे पानी के अंदर कूद के मेडिटेशन करने लगता है। उसके अब ये बात करने के लिए जो सज्जू होता है मिस्टर महाजन से मिलता है, और मिस्टर महाजन कहते हैं कि देख लो अब तुम्हारे बाद इसे कॉल आता है निक का, और ये जो निक होती है ये इसकी एक्चुअली एक डीलर होती है, मतलब निक खान जो है लड़की है इसका नाम, और ये एक्चुअली एक डीलर होती है, हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट ला के अपने इस टाइलर को देती है। और दिखाया जाता है जो टाइलर को बताती है कि बांग्लादेश में एक गुंडे ने जिसका नाम है आमिर आसिफ, उसने मिस्टर महा को जेल में डाल दिया गया होता है, मतलब ये पकड़े गए होते हैं इसीलिए ये सेंट्रल जेल में होते हैं। वह लोग ओवी को इधर से रेस्क्यू करके चले जाते हैं, और आमिर आसिफ ये देख के बहुत, और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सज्जू के ऊपर भरोसा करते ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है अपनी निक खान, क्योंकि ये अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे सोल्जर टाइलर को खो चुकी है। और दिखाया जाता है अब ये जो किडनैपर लोग होते हैं वो लोग लेके जाते हैं टाइलर को उस बच्चे के सामने, लेकिन उतने अजन के बेटे को किडनैप कर लिया है, और हम लोगों को अब उस बेटे को बचाना है। इस जो टाइलर की टीम होती है वो लोग उन किडनैपर के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए। अब दिखाया जाता है मेरी जो स्नाइपर होते हैं उन सारे किडनैपर्स को गोली लगते हैं मारने, और जो टाइलर होता है ये भी अपना कमाल दिखता है, और ओवी के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं जा इससे आज तो बात कर ले, लेकिन फिर से जो ओवी होता है डर के मारे शर्मा जाता है और उससे जाता नहीं है बात करने। दिखाता है इधर इन सारे किडनैपर्स को बहुत कुत्तों की तरह मारता है, और जो ओवी होता है उसे बचा। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर महाजन होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैंने बहुत पैसा दिया है, लेता है जाके। ओवी पहले डरता है कि ये कौन है, लेकिन टाइलर बताता है मैं तुम्हारा दोस्त। टाइलर होता है उधर पहुंच जाता है, इसने बहुत सारे अपने स्नाइपर्स को इधर छिपा के रखा होता है टाइलर ने अलग अलग बिल्डिंग पे, दोस्तों और तुम्हें इधर से एकदम सुरक्षित बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट
तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारे लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया और वो लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े गुंडे हैं और कहते हैं सज्जू को कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को बचाने की कॉन्ट्रैक्ट दी है और उसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं इस मिशन के अंदर, पसंद करती होती है। तब इसके जो ओवी महाजन होते हैं उसके जो दोस्त उस बच्चे को सेफली हमें दे देना है। अब यही दिखाया जाता है, मिशन का नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन। और जो टाइलर होता है मिशन में पहुंच जाता है बांग्लादेश और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये उन किडनैपर को कॉल लगाता है, किडनैपर लोग बुलाते हैं इसे। और जो लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसे सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और अब मैं तुम्हें पैसा, जैसा मिशन था वैसा ही ये लोग करते हैं। टाइलर को इसने मतलब उधर से किडनैपर्स लोगों से बचाने के बाद ये अपने टीम के पास कॉल करता है। मुंबई के एक स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे एक है और जो खान होती है वो कहती है तुम जंगल के पास आओ, उधर हमारी बोट आ जाएगी, उसमें से तुम लोग बैठ। इस बात को सुनने के बाद जो सज्जू होता है वो कहता है सर आप टेंशन मत लो, आपने मुझे इतना पैसा दिया है, मैं कैसे भी करके हट के भाग जाना। अब दिखाया जाता है जो टाइलर है उसी जंगल के पास पहुंच जाता है और ये लोग बोट पे देखते हैं कुछ कमांडर्स लोग आते हैं और वो जो कमांडर्स होते हैं आपके बेटे को सही सलामत आपके नज़रों के सामने ला के रखूँगा तो आप टेंशन मत लीजिए। वो उन बोट के अंदर जितने भी टाइलर के आदमी लोग बैठे थे उन सबको मार देते हैं। और जो इधर अब हमें दिखाया जाता है पार्टी के अंदर जो ओवी होता है वो फिर से उसी लड़की को देखते, खान होती है वो कॉल करके कहती है टाइलर को ध्यान रखो बोट के अंदर कोई और घुसपैठिया घुस चुका है और हमारे आदमियों को मार रहा है, तुम बोट में मत जाना, पैसा देना पड़ेगा टाइलर को उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन गाइस जो सज्जू होता है उसने एक इधर माइंड प्लानिंग गेम खेला था। पहले तो होते हैं ये लोग कहते हैं ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, आमिर आसिफ से लड़ने के लिए टाइलर को भेज दिया और जैसे बच्चा आया इसने सोचा कि टाइलर को ही मार देते हैं और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और आगे में पता चलता है वो लोग बांग्लादेश के गुंडे होते हैं और जो ओवी है वो भी हमारे हाथ आराम से लग जाएगा। लेकिन जो टाइलर होता है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो पहचान जाता है ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल, पैसा नहीं दे सकता हूँ अब, जितना पैसा मैंने पहले तुम्हें दिया था उसी पैसे पे, जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है, एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच है ना कि कोई छोटे मोटे गुंडे हैं। और अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो ध्यान रखना तुम, इसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसे बाहर लाके सिगरेट पिलाता है। लेकिन उधर ही दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है। और जैसे जब सज्जू पहुंचता है ओवी के ऊपर उसको लेके जाने वाला होता है उसी समय पे, और आते ही कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओवी के दोस्त को डायरेक्ट लोग शूट कर देते हैं और जो ओवी होता है उसे इधर से किडनैप करके लेके चले जाते हैं। सज्जू भी मारता था। और इधर दिखाया जाता है दोनों लोग हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है जहाँ पे जो सज्जू होता है वो मेरे बेटे को बचाना है। अब जो सज्जू होता है वो आता है अपने घर और अपने पत्नी से बात करता है, ना कि कोई पुलिस वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो खबर है ये पता चलती है मिस्टर महाजन को, मतलब जो ओवी के फादर हैं उसे पता चलती है। फिर टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है। उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी को बैठाता है ट्रक के अंदर और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, जाओ तुम इससे बात करो। लेकिन जो ओवी होता है बहुत ही शर्मीला लड़का होता है, ये जाता नहीं है उससे बात करने। उसके बाद एक घर को, और जो ओवी होता है वो भी सोचता है कि क्यों सज्जू मेरे ऊपर फायर कर रहा है, इसीलिए जो टाइलर आता है मतलब घर पहुंचता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है हमें एक और न्यू कैरेक्टर, और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन उसी समय पे होता है ओवी को लेके कार में बैठ के भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर ही दिखाया जाता है अब गाइस हमें थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी रिवील होती है। जो सज्जू है उसने तो पहले निक खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी जो बच्चा है उसको बांग्लादेश से बाहर निकालना है, और जैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो लोग आएंगे बांग्लादेश की कुछ आर्मी वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं, वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं टाइलर के ऊपर। और जो टाइलर होता है बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। टाइलर है इस एक टीम को रेडी करता है और सारे डिटेल्स को ये लोग बताते हैं, लाइक टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम भाई टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को कैसे भी बचा लूंगा। गैरिसन आता है उधर, ये टाइलर को लगता है कि हाँ अब जो है इस बच्चे की जान बच जाएगी। अपना टाइलर वो कहता है
निक खान को कि मैं इस बच्चे को किसी के हैंडल अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन इस बच्चे के खिलाफ है और कौन इस बच्चे के हक में है। कोई भी इस बच्चे को अभी मार सकता है और मैंने जिम्मेदारी ले ली है इस बच्चे की जान बचाने की और मैं कैसे भी करके इसे इंडिया पहुँचा के ही दम लूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे कुछ बच्चे लोग हमला बोल देते हैं। टाइलर जैसे गैरिसन के घर पहुंचता है, उस समय पे गैरिसन उसे खाना वाना ऑफर करता है और जो अपना छोटा ओवी होता है उसको भी खाना खिला के ये लोग भेज देते हैं ऊपर सोने के लिए। अब गाइस ये लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं गैरिसन और टाइलर, और गाइस हमें दिखाया जाता है ये एक जाके कॉल लगाता है निक खान के पास और निक खान को कहता है कि क्यों उस सज्जू ने मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उससे तो हमारी डील हुई थी। लेकिन निक खान बताती है वो पैसा देने के कारण तुम्हें मार के ही ओवी को उधर से बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक्चुअली में पहले छोटा मोटा मिशन में काम किए थे और दोस्त की तरह होते हैं। लेकिन जो गैरिसन होता है ना वो एक गेम खेल देता है इधर टाइलर के साथ और टाइलर को कहता है कि जान तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा भी परिवार है, वो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। तुम्हारी जान और मेरी जान और सबकी जान की आफत ये छोटा ओवी है, इसको अगर हमने मार दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने डील किया है आमिर आसिफ से। इतने में दिखाया जाता है टाइलर और ओवी के ऊपर भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हमें रिवील होता है जो सज्जू है ना, सज्जू ने अपने टीम को लाया था और ये हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर। लेकिन आप तो जानते ही होंगे जो निक खान है वो हार नहीं मानने वाली होती है, वो एक ऐसे मतलब लोकेशन पे पहुंचती है जहाँ पे आमिर आसिफ होता है और उधर ही ये पहुंच के आमिर आसिफ को शूट करके मार देती है जान से। अब जैसे चेक पॉइंट आता है जो सज्जू होता है वो एक ऑफिसर से पकड़ा जाता है क्योंकि वो ऑफिसर उनको पहचान लेता है। अब इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो सज्जू होता है ये भी आप जानते ही हो कम खतरनाक नहीं होता है, इसीलिए वो तुम्हें मार के बिना पैसे दिए हुए हमारे से उसने डील कैंसिल कर दिया है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। अब जो होता है इसके ऊपर एनिमी लोग हेलीकॉप्टर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है जो निक खान होती है वो भी अपने टीम को ला दी होती है और उस हेलीकॉप्टर को ये लोग उड़ा देते हैं। इसीलिए जो टाइलर होता है सज्जू को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हें मैं ओवी दे दूंगा और कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इस बच्चे की जान बचाना, ओके। तो अब जो टाइलर होता है वो उनसे मिल जाता है, मतलब सज्जू के साथ टीम अप कर लेता है और सज्जू जो होता है वो कहता है तुम टेंशन मत लो, इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारी पूरा हेल्प करूंगा और कैसे भी करके हर एक चेक पॉइंट पे सब ऑफिसर्स की ध्यान भटका के और जो सज्जू होता है वो बच जाता है। लेकिन इधर ही एक स्नाइपर होता है जो कि आमिर आसिफ का होता है और वो ना सज्जू को शूट कर देता है और इधर सज्जू की जान चली जाती है। अब इसके सामने सिर्फ टाइलर बचता है, ये टाइलर के कंधे में भी शूट कर देता है शोल्डर में, लेकिन इतने तक जो निक खान होती है उसे स्नाइपर की लोकेशन पता चल गई थी और निक खान ने शूट करके उस स्नाइपर को मार दिया होता है। लेकिन अब दिखाया जाता है इसने बदला ले लिया होता है टाइलर का, क्योंकि टाइलर मर चुका है इसको लग रहा होता है। उधर दिखाया जाता है जो ओवी होता है वो 8 महीने होने के बाद, मतलब ये सारा मिशन खत्म हो चुका है और इसकी नॉर्मल लाइफ अब चल रही होती है, उधर ये स्विमिंग पूल में जंप कर, तो टाइलर ना अब ऐसा सोच लिया था कोई भी इस मिशन पे भरोसे के लायक नहीं है और जो भरोसे के लायक है तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है सज्जू, क्योंकि सज्जू को भी ओवी की जान बचानी है और टाइलर को भी ओवी की जान बचानी है। लेकिन जैसे ये मुड़ता है तो इसकी जो खुशी होती है वो रुके से रुकी नहीं जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि जो टाइलर है वो अभी तक मरा नहीं है और टाइलर अभी जिंदा है। और गाइस ये होती है मूवी की। अब गाइस इधर टाइलर को ना बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो टाइलर है उसने सोचा था ये जो गैरिसन है वो तो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे दुश्मन से कैसे डील कर सकता है ये एंडिंग। और ऐसे में दिखाया जाता है जो टाइलर है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तो गाइस या आपको अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। और लेकिन ये बात होने के बाद जो टाइलर होता है ना सच्ची में उसे बहुत बड़ी सदमा लग जाती है, क्योंकि टाइलर ने अपने दोस्त पे भरोसा किया था और अब उसके दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी 2 के ऊपर, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मूवी 2 होने वाली है वो आने वाली है इसी साल के अंदर। सो यह गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रैक्शन 2 का क्रू एंड कैस्ट, क्योंकि कैस्ट का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर मूवी के रिलेटेड। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी आने वाला है 16 जून 2। अब जो आमिर आसिफ है मेन विलन था बांग्लादेश का जिसने किडनैप किया था ओवी को, वो मर चुका है। और पार्ट 2 के अंदर क्या हमें ये सारे कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ टाइलर और निक खान का ही टीम देखने को मिलेगा,
लेकिन गाइस 2023 ओनली ऑन Netflix। तो या हम लोग देखेंगे उस मूवी को, जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्रिस हेम्सवर्थ जानते ही हो, जो टाइलर का मेन रोल है, मूवी का हीरो है। उसके बाद निक खान, और आप तो जानते ही होंगे टाइलर कितना ज़्यादा घायल हो गया है, क्योंकि यार इसने बहुत लोगों से फाइटिंग किया। पहले तो गुंडों से फाइटिंग किया, उसके बाद टेररिस्ट से फाइटिंग किया, उसके बाद सज्जू से फाइटिंग किया था। इसका भाई एक एक पुर्जे पुर्जे में दर्द हो रही थी बॉडी के, इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी टाइलर को। इसीलिए जो गैरिसन होता है टाइलर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और टाइलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय पे जो ओवी होता है वो एक गन लाके, अनमी मूवी के अंदर होंगे पार्ट 2 के अंदर, ओवी महाजन भी होने वाला है पार्ट 2 के अंदर, और न्यू कैरेक्टर्स एज अ कीटा 1 भी होने वाली है एक न्यू कैरेक्टर, और उसके बाद याज खान, मेरे को लग रहा है जो याज खान है यही विलन होने वाला है इस मूवी का, एक्सट्रैक्शन 2 का। उसके बाद कुटाइसी स्टैप मारे गए हैं इस मिशन के अंदर, इसीलिए अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो टाइलर है और निक खान की टीम है। और गाइस चलिए हम लोग देख ही लिया जाए सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है उसका रिलीज डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आरी एफ करके कोई एक न्यू कैरेक्टर आई है, उसके बाद जोरब, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद SEB एंड उसके बाद मरियाना, पता नहीं गाइस कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। सो या हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी का न्यू कैस्ट और एकदम फाइनल कैस्ट के ऊपर, कि टाइलर के ऊपर। लेकिन जो टाइलर होता है वो जानते ही हो बहुत स्मार्ट तरीके से इनसे डील करता है, और ये एक भी बच्चे को जान से नहीं मारता है, सिर्फ इधर उधर फेंक के उधर से बच के एक टनल के अंदर घुस जाता है। और टनल के अंदर घुसने के बाद एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर ना टाइलर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गैरिसन, और वो जो गैंग, रिलीज डेट आ चुका है और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए, और 100% है मूवी 16 जुलाई को देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। सो यार चलो पहले कैस्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया है। जो टाइलर है वो पहुंचने वाला है निक खान के टीम के पास, लेकिन उधर ही वो, आपको याद है जो बच्चा आया था, उस बच्चे ने टाइलर को शूट कर देता है, और जो टाइलर होता है वो ब्रिज से पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो इधर निक खान की टीम होती है, और उस मूवी का कैस्ट एंड क्रू भी बताना बहुत जरूरी है। सो या जो क्रिस हेम्सवर्थ होते हैं प्ले कर रहे थे टाइलर रेक का, और रणदीप हुड्डा एज अ सज्जू का कैरेक्टर, उसके बाद रुद्राक्ष जयसवाल, जो वह लोग ओवी को इधर से रेस्क्यू करके चले जाते हैं, और आमिर आसिफ ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है अपनी निक खान, क्योंकि ये अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे सोल्जर टाइलर को खो चुकी है। तो वो था ओवी महाजन, वो जो लड़का होता है। उसके बाद पीयूष खाटी अर्जुन का रोल, उसके बाद नेहा महाजन एज अ नाइसा रैव, उसके बाद सारा रोमा वो जो क्यूट गर्ल होती है, उसके बाद प्रियांशु एज अ आमिर आसिफ, उसके बाद जो स्नाइपर आपने देखा था उसका नाम था शाफ्ता फिगर एज अ सिल्वर है। इस बच्चे की हम लोग कैसे भी करके जान बचाएंगे। अब गाइस ये जो टीम अप थी ना यार बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं। हेड कलर मैन गाइस सिल्वर हेड कलर मैन पंकज तिवारी एज अ ओवी महाजन SR, मतलब उसके जो फादर होते हैं ओवी महाजन के। उसके बाद एडम बेसा एज अ याज खान, नहीं गाइस जैसे मैंने बोला था आपको पार्ट 2 के अंदर जो विलन होने वाला है याज खान वो नहीं होने वाला है। जो गैरिसन होता है वो तैयार हो जाता है ओवी को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच में टाइलर आके उसे रोकने लगता है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है, क्योंकि उसे हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर भी देखा है, तो पार्ट 2 का विलन नहीं हो सकता है, पार्ट 2 का विलन कोई नहीं होने वाला है। एंड गाइस इस मूवी की जो क्रू एंड कैस्ट लिस्ट है बहुत बड़ी है, जो मेन हमें तो लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको जैसे कि पता है रणदीप जो हुड्डा आता है जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे वो भी कैरेक्टर थे, मैंने उन सब लोगों के बारे में आपको बता दिया। एंड ये था अबाउट पार्ट 2 डिटेल्स। सो या अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट पार्ट 2 मूवी का एक्सट्रैक्शन, सो मेक श्योर करो आप कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। और देखते हैं गाइस टाइलर का जो मिशन है वो क्या होने वाला है, क्योंकि इसीलिए जो सज्जू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं टाइमिंग्स का, और बोलते हैं ओवी से तुम अगली बार से कभी घर को लेट मत आना, क्योंकि तुम जानते ही हो हम लोग के गैरिसन को शूट कर देता है। और गाइस इधर दिखाया जाता है जो गैरिसन है वो मर चुका है, और जो टाइलर होता है उसकी जान बच गई है, ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नज़र है, वो लोग कभी भी तुम्हें दिक्कत पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त, जहाँ पर जो ओवी होता है उसका प्लान होता है शाम को घर से भाग
कर वो जाएगा एक कैफे के अंदर, नाइट आउट पार्टी करने का प्लान इन लोगों का होता है। और उधर हमें दिखाया जाता है एक घर से भाग भी जाता है बिना सज्जू को बताए हुए। अब ये बात करने के लिए जो सज्जू होता है मिस्टर महाजन से मिलता है, और मिस्टर महाजन कहते हैं कि देख लो, अब तुम्हारे लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया, और वो लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े गुंडे हैं, ना कि कोई छोटे मोटे गुंडे हैं। और अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो ध्यान रखना, तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा भी परिवार है, वो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो, इस मिशन के अंदर। सो या गाइस, जो रिलीज डेट होने वाली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की वो है 16 जून 2023। या गाइस, ये थी अबाउट एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की। एंड गाइस, आप लोग इस वीडियो को अब एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूँ जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आता है और बोरिंग पार्ट होता है ऑब्वियसली हर वीडियो का, जो कि मेरे वीडियो होते हैं। मुंबई के एक स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का होता है, उसका नाम होता है ओवी महाजन, और ये बहुत ही अमीर घराने से होता है। ये लोग का स्कूल छूटता है और ये लोग कार में बैठ के एक कैफ़े में जाते हैं। और उधर ना अभी तक बांग्लादेश के अंदर हर गली गली में पता चल गया होता है जो टाइलर है एक वांटेड लिस्ट में आ चुका है। और इस ओवी महाजन को एक लड़की पसंद करती होती है, तब इसके जो ओवी महाजन होते हैं उसके जो दोस्त होते हैं ये लोग कहते हैं ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, जाओ तुम इससे बात करो। लेकिन जो ओवी होता है बहुत ही शर्मीला लड़का होता है, ये जाता नहीं है उससे बात करने। उसके बाद ये घर को आता है, मतलब घर पहुँचता है, लेकिन इधर दिखाया जाता है हमें एक और न्यू कैरेक्टर जो कि है सज्जू। और इनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है लाइक जो ओवी है उसका ख्याल रखने का है, मतलब जो ओवी के फादर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर होते हैं। और इनको मेरे जो बॉस थे मिस्टर महाजन उनका बेटा किडनैप हो चुका है, और मैं अब जा रहा हूँ बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए। और ये मतलब इधर दिखाया जाता है हमें ये अपने पत्नी को बाय बोल के इधर से जाने वाला होता है और कुछ प्लान ही बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट सीन टाइलर का। जो टाइलर होता है वो सो रहा होता है, और जैसे इसकी नींद टूटती है वो अपने पहाड़ से जंप करके नीचे पानी के अंदर कूद के मेडिट। इस बात को सुनने के बाद जो सज्जू होता है वो कहता है सर आप टेंशन मत लो, आपने मुझे इतना पैसा दिया है, मैं कैसे भी करके आपके बेटे को सही सलामत आपके नज़रों के सामने ला के रखूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर महाजन होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैंने बहुत पैसा दिया है। लेकिन जो टाइलर की टीम होती है वो लोग उन किडनैपर के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें उस बच्चे को सेफली हमें दे देना है। अब यही दिखाया जाता है, मिशन का नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन। और जो टाइलर होता है मिशन में पहुंच जाता है बांग्लादेश, और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये उन किडनैपर को कॉल लगाता है, किडनैपर लोग बुलाते हैं इसे, और जो टाइलर होता है उधर पहुंच जाता है। इसने बहुत सारे अपने स्नाइपर्स को इधर छिपा के रखा होता है टाइलर ने अलग अलग बिल्डिंग पे। अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसे सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, और अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। अब जितना पैसा मैंने पहले तुम्हें दिया था उसी पैसे पे तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। अब जो सज्जू होता है वो आता है अपने घर और अपने पत्नी से बात करता है, टेंशन करने लगता है। उसके बाद इसे कॉल आता है निक का, और ये जो निक होती है ये इसकी एक्चुअली एक डीलर होती है, मतलब निक खान जो है लड़की है इसका नाम, और ये एक्चुअली एक डीलर होती है, हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट। इसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसे बाहर लाके सिगरेट पिलाता है, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और आते ही कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओवी के दोस्त को डायरेक्ट लोग शूट कर देते हैं, और जो ओवी होता है उसे इधर से किडनैप करके लेके चले जाते हैं ताकि अपने इस टाइलर को देती है। और दिखाया जाता है जो टाइलर को बताती है कि बांग्लादेश में एक गुंडे ने जिसका नाम है अमीर आसिफ, उसने मिस्टर महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है, और हम लोगों को अब उस बेटे को बचाना है। इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए। अब दिखाया जाता है जेल में डाल दिया गया होता है, मतलब ये पकड़े गए होते हैं इसीलिए ये सेंट्रल जेल में होते हैं, और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सज्जू के ऊपर भरोसा करते हैं, और कहते हैं सज्जू को कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को बचाने की कॉन्ट्रैक्ट दी है और उसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अब हमें दिखाया जाता है पार्टी के अंदर जो ओवी होता है वो फिर से उसी लड़की को देखता है, और ओवी के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं जा इससे आज तो बात कर ले, लेकिन फिर से जो ओवी होता है डर के मारे शर्मा जाता है और उससे जाता नहीं है बात करने। आगे हमें पता चलता है वो लोग बांग्लादेश के गुंडे होते हैं ना कि कोई पुलिस वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो खबर है ये पता चलती है
मिस्टर महाजन को, मतलब जो ओवी के फादर हैं, उसे पता चलती है टाइलर है, इस एक टीम को रेडी करता है और सारे डिटेल्स को ये लोग बताते हैं। लाइक अब गाइस हमें थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी रिवील होती है। जो सज्जू है उसने तो पहले निक खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी जो बच्चा है उसको बांग्लादेश से बाहर निकालना है, और जैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो लोग आएंगे और दिखाया जाता है अब ये जो किडनैपर लोग होते हैं वो लोग लेके जाते हैं टाइलर को उस बच्चे के सामने, लेकिन उतने में ही जो स्नाइपर होते हैं उन सारे किडनैपर्स को गोली लगते हैं मारने, और जो टाइलर होता है ये भी अपना कमाल दिखाता है इधर, इन सारे किडनैपर्स को बहुत कुत्तों की तरह मारता है और जो ओवी होता है उसे बचा लेता है जाके। ओवी पहले डरता है कि ये कौन है, लेकिन टाइलर बताता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इधर से एकदम सुरक्षित बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसा मिशन था वैसा ही ये लोग करते हैं। टाइलर को इसने मतलब उधर से किडनैपर्स लोगों से बचाने के बाद ये अपने टीम के पास कॉल करता है, और जो खान होती है वो कहती है तुम जंगल के पास आओ, उधर हमारी बोट आ जाएगी उसमें से तुम लोग। इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर, और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है। एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच सज्जू भी मारता था, और इधर दिखाया जाता है दोनों बैठ के भाग जाना। अब दिखाया जाता है जो टाइलर है उसी जंगल के पास पहुंच जाता है, और ये लोग बोट पे देखते हैं कुछ कमांडर्स लोग आते हैं, और वो जो कमांडर्स होते हैं वो उन बोट के अंदर जितने भी टाइलर के आदमी लोग बैठे थे उन सबको मार देते हैं। और जो इधर से खान होती है वो कॉल करके कहती है टाइलर को ध्यान रखो बोट के अंदर कोई और घुसपैठिया घुस चुका है और हमारे आदमियों को मार रहा है, तुम बोट में मत जाना। तो हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है जहाँ पे जो सज्जू होता है वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है, और जैसे जब सज्जू पहुंचता है ओवी के ऊपर उसको पैसा देना पड़ेगा टाइलर को उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन गाइस जो सज्जू होता है उसने एक इधर माइंड प्लानिंग गेम खेला था, पहले तो आमिर आसिफ से लड़ने के लिए टाइलर को भेज दिया, और जैसे बच्चा आया इसने सोचा कि टाइलर को ही मार देते हैं और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और जो ओवी है वो भी हमारे हाथ आराम से लग जाएगा। लेकिन जो टाइलर होता है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो पहचान जाता है ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेके जाने वाला होता है। उसी समय पे टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है, उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी। सो यार गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सट्रैक्शन टू का क्रू एंड कास्ट, क्योंकि कास्ट का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर मूवी के रिलेटेड, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी आने वाला है 16 जून 2023 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। मुंबई के एक स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का होता है उसका नाम होता है ओवी महाजन, और ये बहुत ही अमीर घराने से होता है। ये लोग का स्कूल छूटता है और ये लोग कार में बैठ के एक कैफ़े में जाते हैं, और उधर ना इस ओवी महाजन को एक लड़की पसंद करती होती है। तब इसके जो ओवी महाजन होते हैं उसके जो दोस्त होते हैं ये लोग कहते हैं ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है जाओ तुम इससे बात करो, लेकिन जो ओवी होता है बहुत ही शर्मीला लड़का होता है ये जाता नहीं है उससे बात करने। उसके बाद ये घर को आता है मतलब घर पहुँचता है, लेकिन इधर दिखाया जाता है हमें एक और न्यू कैरेक्टर। तो या हम लोग देखेंगे उस मूवी को, जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्रिस हेम्सवर्थ जानते हो जो टाइलर का मेन रोल है मूवी का हीरो है, उसके बाद निक खान भी मूवी के अंदर होंगे पार्ट 2 के अंदर, ओवी महाजन भी होने वाला है पार्ट 2 के अंदर, और न्यू कैरेक्टर्स एज अ कीटा वन भी होने वाली है एक न्यू कैरेक्टर, और उसके बाद याज खान, मेरे को लग रहा है जो याज खान है यही विलन होने वाला है इस मूवी का एक्सट्रैक्शन 2 का। उसके बाद कुटाइसी स्टाफ करके कोई एक न्यू कैरेक्टर आई है, उसके बाद जोरब, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद SEB एंड उसके बाद मरियाना, पता नहीं गाइस कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। सो या हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी का न्यू कैस्ट और एकदम फाइनल कैस्ट के ऊपर, क्योंकि रिलीज डेट जो कि है सज्जू, और इनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है लाइक जो ओवी है उसका ख्याल रखने का है, मतलब जो ओवी के फादर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर होते हैं, और इनको जेल में डाल दिया गया होता है, मतलब ये पकड़े गए होते हैं इसीलिए ये सेंट्रल जेल में होते हैं, और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सज्जू के ऊपर भरोसा करते हैं, और कहते हैं सज्जू को कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को बचाने की कॉन्ट्रैक्ट दी है और उसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं आ चुका है और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए, और 100% मूवी 16 जुलाई को देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। तो यार चलो पहले कैस्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया है और उस मूवी का कैस्ट एंड क्रू भी बताना बहुत जरूरी है।
सो या जो क्रिस हेम्सवर्थ होते हैं प्ले कर रहे थे टाइलर रेक का, और रणदीप हुड्डा एज अ सज्जू का कैरेक्टर। उसके बाद रुद्राक्ष जायसवाल जो था वो था ओवी महाजन, वो जो लड़का होता है। उसके बाद पीयूष खाटी अर्जुन का रोल। उसके बाद नेहा महाजन एज अ नाइसा रैव। उसके बाद सारा रोमा वो जो क्यूट गर्ल होती है। उसके बाद मेरे जो बॉस थे मिस्टर महाजन उनका बेटा किडनैप हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए। और ये मतलब इधर दिखाया जाता है हमें ये अपने पत्नी को बाय बोल के इधर से जाने वाला होता है और कुछ प्लान ही बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट सीन टाइलर का। जो टाइलर होता है वो सो रहा होता है और जैसे इसकी नींद टूटती है वो अपने पहाड़ से भाई पहाड़ से जंप करके नीचे पानी के अंदर कूद के मेडिटेशन करने लगता है। उसके बाद इसे कॉल आता है निक का, और ये जो निक होती है ये इसकी एक्चुअली एक डीलर होती है, मतलब निक खान जो है लड़की है इसका नाम, और ये एक्चुअली एक डीलर होती है, हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट ला के अपने इस टाइलर को देती है। और दिखाया जाता है जो टाइलर को बताती है कि बांग्लादेश में एक गुंडे ने जिसका नाम है अमीर आसिफ, उसने मिस्टर महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है और हम लोगों को अब उस बेटे को बचाना है। इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस मिशन के लिए। अब दिखाया जाता है प्रियांशु एज अ आमिर आसिफ। उसके बाद जो स्नाइपर आपने देखा था उसका नाम था शाफ्ता फिगर एज अ सिल्वर हेयर्ड कलर मैन, गाइस सिल्वर हेयर्ड कलर मैन। पंकज तिवारी एज अ ओवी महाजन SR, मतलब उसके जो फादर होते हैं ओवी महाजन के। उसके बाद एडम बेसा एज अ याज खान। नहीं गाइस, जैसे मैंने बोला था आपको पार्ट टू के अंदर जो विलन होने वाला है याज खान वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे हम लोगों ने पार्ट वन के अंदर भी देखा है, तो पार्ट टू का विलन नहीं हो सकता है, पार्ट टू का विलन कोई नहीं होने वाला है। एंड गाइस, इस मूवी की जो क्रू एंड कैप को बैठाता है ट्रक के अंदर और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन उसी समय पे टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा, वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। बहुत बड़ी है। सो यार, जो मेन कैरेक्टर्स थे मैंने उन सब लोगों के बारे में आपको बता दिया, एंड ये था अबाउट पार्ट टू डिटेल्स। सो यार, अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट पार्ट टू मूवी का एक्सट्रैक्शन, सो मेक श्योर करो आप कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। इतने में दिखाया जाता है टाइलर और ओवी के ऊपर भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें रिवील होता है जो सज्जू है ना, सज्जू ने अपने टीम को लाया था और ये हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर। और जो ओवी होता है वो भी सोचता है कि क्यों सज्जू मेरे ऊपर फायर कर रहा है, इसीलिए जो टाइलर होता है ओवी को लेके कार में बैठ के भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर दिखाया जाता है बांग्लादेश की कुछ आर्मी वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं, वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं टाइलर के ऊपर, और जो टाइलर होता है बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। अभी तक बांग्लादेश के अंदर हर गली गली में पता चल गया होता है जो टाइलर है एक वांटेड लिस्ट में आ चुका है। और गाइस, हमें दिखाया जाता है ये एक जाके कॉल लगाता है निक खान के पास, और निक खान को कहता है कि क्यों उस सज्जू ने मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उससे तो हमारी डील हुई थी। लेकिन निक खान बताती है वो पैसा देने के कारण तुम्हें मार के ही ओवी को उधर से बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो तुम्हें मार के बिना पैसे दिए हुए हमारे से उसने डील कैंसिल कर दिया है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। अब जो होता है अपना टाइलर वो कहता है निक खान को कि मैं इस बच्चे को किसी के हैंडल अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन इस बच्चे के खिलाफ है और कौन इस बच्चे के हक में है, कोई भी इस बच्चे को अभी मार सकता है, और मैंने जिम्मेदारी ले ली है इस बच्चे की जान बचाने की, और मैं कैसे भी करके इसे इंडिया पहुंचा के ही दम लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे कुछ बच्चे लोग हमला बोल देते हैं टाइलर के ऊपर, लेकिन जो टाइलर होता है वो जानते ही हो बहुत स्मार्ट तरीके से इनसे डील करता है, और ये एक भी बच्चे को जान से नहीं मारता है, सिर्फ इधर उधर फेंक के उधर से बच के एक टनल के अंदर घुस जाता है। और टनल के अंदर घुसने के बाद एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर ना टाइलर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गैरिसन, और वो जो गैरिसन। अब गाइस, इधर टाइलर को ना बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो टाइलर है उसने सोचा था ये जो गैरिसन है वो तो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे दुश्मन से कैसे डील कर सकते हैं। होता है वो कहता है कि तुम भाई टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को कैसे भी बचा लूंगा। गैरिसन आता है उधर, ये टाइलर को लगता है कि हाँ अब जो है इस बच्चे की जान बच जाएगी। टाइलर जैसे गैरिसन के घर पहुंचता है उस समय पे गैरिसन, लेकिन आप तो जानते ही होंगे जो निक खान है वो हार नहीं मानने वाली होती है, वो एक ऐसे मतलब लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे आमिर आसिफ होता है, और उधर ही ये पहुंच के आमिर आसिफ को शूट करके
करके मार देती है जान से। ये इसने बदला ले लिया होता है टाइलर का, क्योंकि टाइलर मर चुका है इसको लग रहा होता है। उधर दिखाया जाता है जो ओवी होता है वो 8 महीने होने के बाद, मतलब ये सारा मिशन खत्म हो चुका है और इसकी नॉर्मल लाइफ अब चल रही होती है। उधर ये स्विमिंग पूल में जंप करता है, लेकिन जैसे ये मुड़ता है तो इसकी जो खुशी होती है वो रुके से रुके। इसीलिए जो सज्जू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं टाइमिंग्स का और बोलते हैं ओवी से, तुम अगली बार से कभी घर को लेट मत आना, क्योंकि तुम जानते ही हो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नज़र है, वो लोग कभी भी तुम्हें दिक्कत पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त, जहाँ पे जो ओवी होता है उसका प्लान होता है शाम को घर से भाग कर वो जाएगा एक कैफ़े के अंदर, नाइट आउट पार्टी करने का प्लान इन लोगों का होता है। और उधर हमें दिखाया जाता है एक घर से भाग भी जाता है बिना सज्जू को बताए हुए कि नहीं जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि जो टाइलर है वो अभी तक मरा नहीं है और टाइलर अभी जिंदा है। और गाइस ये होती है मूवी की एंडिंग, और ऐसे में दिखाया जाता है जो टाइलर है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तो गाइस या आपको अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी 2 के ऊपर। अब जैसे चेक पॉइंट आता है जो सज्जू होता है वो एक ऑफिसर से पकड़ा जाता है, क्योंकि वो ऑफिसर उनको पहचान लेता है। अब इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो सज्जू होता है ये भी आप जानते हो कम खतरनाक नहीं होता है। इसके ऊपर एनिमी लोग हेलीकॉप्टर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है जो निक खान होती है वो भी अपने टीम को ला दी होती है और उस हेलीकॉप्टर को ये लोग उड़ा देते हैं और जो सज्जू होता है वो बच जाता है। लेकिन इधर ही एक स्नाइपर होता है जो कि आमिर आसिफ का होता है और वो ना सज्जू को शूट कर देता है और इधर सज्जू की जान चली जाती है। अब इसके सामने सिर्फ टाइलर बचता है, ये टाइलर के कंधे में भी शूट कर देता है शोल्डर में, लेकिन इतने तक जो निक खान होती है उसे स्नाइपर की लोकेशन पता चल गई थी और निक खान ने शूट करके उस स्नाइपर को मार दिया होता है। लेकिन अब दिखाया जाता है क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मूवी 2 होने वाली है वो आने वाली है इसी साल के अंदर, और देखते हैं गाइस टाइलर का जो मिशन है वो क्या होने वाला है। क्योंकि जानते ही हो अब जो आमिर आसिफ है मेन विलन था बांग्लादेश का, छोटा ओवी होता है उसको भी खाना खिला के ये लोग भेज देते हैं ऊपर सोने के लिए। अब गाइस ये लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं गैरिसन और टाइलर, क्योंकि ये एक्चुअली में पहले एक छोटा मोटा मिशन में काम किए थे और दोस्त की तरह होते हैं। लेकिन जो गैरिसन होता है ना वो एक गेम खेल देता है इधर टाइलर के साथ, और टाइलर को कहता है जिसने किडनैप किया था ओवी को वो मर चुका है। और पार्ट 2 के अंदर क्या हमें ये सारे कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ टाइलर और निक खान का ही टीम देखने को मिलेगा? लेकिन गाइस हमें तो लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको जैसे कि बताया रणदीप जो हुड्डा आता है जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे वो भी मारे गए हैं इस मिशन के अंदर। इसीलिए अभी सिर्फ सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो टाइलर है और निक खान की टीम है। और गाइस चलिए हम लोग देख ही लिया जाए सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है उसका रिलीज डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आरी उसे खाना वाना ऑफर करता है और जो अपना, और आप तो जानते ही होंगे टाइलर कितना ज्यादा घायल हो गया है, क्योंकि यार इसने बहुत लोगों से फाइटिंग किया। पहले तो गुंडों से फाइटिंग किया, उसके बाद टेररिस्ट से फाइटिंग किया, उसके बाद सज्जू से फाइट। इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है। एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच सज्जू भी मारता था, और इधर दिखाया जाता है दोनों लोग हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है गैरिसन को शूट कर देता है। और गाइस इधर दिखाया जाता है जो गैरिसन है वो मर चुका है और जो टाइलर होता है उसकी जान बच गई है, जहाँ पे जो सज्जू होता है वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है। और जैसे जब सज्जू पहुँचता है वो फाइटिंग किया था इसका भाई एक एक पुर्जे पुर्जे में दर्द हो रही थी बॉडी के, इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी टाइलर को। इसीलिए जो गैरिसन होता है टाइलर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और टाइलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय पे जो ओवी होता है वो एक गन ला के के ऊपर उसको लेके जाने वाला होता है। उसी समय पे टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है। उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी को बैठाता है ट्रक के अंदर और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन उसी समय पे टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। जो गैरिसन होता है वो तैयार हो जाता है ओवी को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच में टाइलर आके उसे रोकने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है कि जानते हो तुम्हारी जान और मेरी जान और सबकी जान की आफत
ये छोटा ओवी है, इसको अगर हमने मार दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा। और तुम्हें पता है मैंने डील किया है आमिर आसिफ से। लेकिन ये बात होने के बाद जो टाइलर होता है ना, सच्ची में उसे बहुत बड़ी सदमा लग जाती है, क्योंकि टाइलर ने अपने दोस्त पे भरोसा किया था और अब उसके दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया। तो टाइलर ना अब ऐसा सोच लिया था कोई भी इस मिशन पे भरोसे के लायक नहीं है, और जो भरोसे के लायक है तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम, इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल, जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है। एक पंच टाइलर मारता था तो अब एक पंच सज्जू भी मारता था। और इधर दिखाया जाता है दोनों लोग हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है जहाँ पे जो सज्जू होता है वो अपने आदमियों के साथ टाइलर को ना एक गाड़ी से लड़वा देता है। और जैसे जब सज्जू पहुँचता है ओवी में सज्जू, क्योंकि सज्जू को भी ओवी की जान बचानी है और टाइलर को भी ओवी की जान बचानी है, इसीलिए जो टाइलर होता है सज्जू को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हें मैं ओवी दे दूंगा और कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इस बच्चे की जान बचाना, ओके। तो अब जो टाइलर होता है वो उनसे मिल जाता है, मतलब सज्जू के साथ टीम अप कर लेता है। और सज्जू जो होता है वो कहता है तुम टेंशन मत लो, इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारी पूरा हेल्प करूंगा, और कैसे भी करके हर एक चेक पॉइंट पे सब ऑफिसर्स की ध्यान भटका के इस बच्चे की हम लोग कैसे भी करके जान बचाएंगे। अब गाइस ये जो टीम अप थी ना यार बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं। जो टाइलर है वो पहुंचने वाला है निक खान के टीम के पास, लेकिन उधर ही वो आपको याद है जो बच्चा आया था उस बच्चे ने टाइलर को शूट कर देता है, और जो टाइलर होता है वो ब्रिज से पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो इधर निक खान की टीम होती है वह लोग ओवी को इधर से रेस्क्यू करके चले जाते हैं, और आमिर आसिफ ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है अपनी निक खान, क्योंकि ये अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे सोल्जर टाइलर को खो चुकी है इस मिशन के अंदर। सो या गाइस जो रिलीज डेट होने वाली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की वो है 16 जून 2023। या गाइस ये थी अबाउट एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो को अब एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूँ, जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आता है और बोरिंग पार्ट होता है ऑब्वियसली हर वीडियो का, जो कि मेरे वीडियो होते हैं। लेकिन ये बात होने के बाद जो टाइलर होता है ना, सच्ची में उसे बहुत बड़ी सदमा लग जाती है, क्योंकि टाइलर ने अपने दोस्त पे भरोसा किया था और अब उसके दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया। तो टाइलर ना अब ऐसा सोच लिया था कोई भी इस मिशन पे भरोसे के लायक नहीं है, और जो भरोसे के लायक है तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है सज्जू, क्योंकि सज्जू को भी ओवी की जान बचानी है और टाइलर को भी ओवी की जान बचानी है, इसीलिए जो टाइलर होता है सज्जू को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हें मैं ओवी दे दूंगा और कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इस बच्चे की जान बचाना, ओके। तो अब हमें दिखाया जाता है पार्टी के अंदर जो ओवी होता है वो फिर से उसी लड़की को देखता है, और ओवी के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं जा इससे आज तो बात कर ले, लेकिन फिर से जो ओवी होता है डर के मारे शर्मा जाता है और उससे जाता नहीं है बात करने। टाइलर होता है वो उनसे मिल जाता है, मतलब सज्जू के साथ टीम अप कर लेता है, और सज्जू जो होता है वो कहता है तुम टेंशन मत लो, इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारी पूरा हेल्प करूंगा, और कैसे भी करके हर एक चेक पॉइंट पे सब ऑफिसर्स की ध्यान भटका के ऊपर उसको लेके जाने वाला होता है। उसी समय पे टाइलर आता है ट्रक से सज्जू को उड़ा देता है। उसके बाद फिर से टाइलर जो होता है ओवी को बैठाता है ट्रक के अंदर, और इधर से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे, मतलब आप समझ सकते हो बांग्लादेश के सारे गुंडे पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आता है ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन उसी समय पे टाइलर और ओवी उस ट्रक में से जंप कर जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि ये दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन जो आमिर आसिफ होता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा, वो कहता है मुझे उनकी लाश चाहिए तभी जाके मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज ये लोग मरे नहीं है। इसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसे बाहर लाके सिगरेट पिलाता है, लेकिन उधर ही दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, और आते ही कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओवी के दोस्त को डायरेक्ट लोग शूट कर देते हैं, और जो ओवी होता है उसे इधर से किडनैप करके लेके चले जाते हैं। आगे हमें पता चलता है वो लोग बांग्लादेश के गुंडे होते हैं, ना कि कोई पुलिस वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो खबर है ये पता चलती है मिस्टर महाजन को, मतलब जो ओवी के फादर हैं उसे पता चलती है। अब ये बात करने के लिए जो सज्जू होता है मिस्टर महाजन से मिलता है, और मिस्टर महाजन कहते हैं कि देख लो अब तुम्हारे लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया, और वो लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े गुंडे हैं, ना कि कोई छोटे मोटे गुंडे हैं, और अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो ध्यान रखना तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा भी परिवार है,
वो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। इस बात को सुनने के बाद जो सज्जू होता है वो कहता है, सर आप टेंशन मत लो, आपने मुझे इतना पैसा दिया है, मैं कैसे भी करके आपके बेटे को सही सलामत आपके नजरों के सामने ला के रखूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर महाजन होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम्हें तो मैंने बहुत पैसा दिया है लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसे सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा और अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। अब जितना पैसा मैंने पहले तुम्हें दिया था उसी पैसे पे तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है। अब जो सज्जू होता है वो आता है अपने घर और अपने पत्नी से बात करता है। टाइलर है इस एक टीम को रेडी करता है और सारे डिटेल्स को ये लोग बताते हैं। लाइक जो टाइलर की टीम होती है वो लोग उन किडनैपर के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं, हम लोग तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें उस बच्चे को सेफली हमें दे देना है। अब यही दिखाया जाता है, मिशन का नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन। और जो टाइलर होता है मिशन में पहुंच जाता है बांग्लादेश और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये उन किडनैपर को कॉल लगाता है, किडनैपर लोग बुलाते हैं इसे और जो टाइलर होता है उधर पहुंच जाता है। इसने बहुत सारे अपने स्नाइपर्स को इधर छिपा के रखा होता है टाइलर ने अलग अलग बिल्डिंग पे। और दिखाया जाता है अब ये जो किडनैपर लोग होते हैं वो लोग लेके जाते हैं टाइलर को उस बच्चे के सामने, लेकिन उतने में ही जो स्नाइपर होते हैं उन सारे किडनैपर्स को गोली लगते हैं मारने और जो टाइलर होता है ये भी अपना कमाल दिखाता है इधर, इन सारे किडनैपर्स को बहुत कुत्तों की तरह मारता है। लेकिन आप तो जानते ही होंगे जो निक खान है वो हार नहीं मानने वाली होती है, वो एक ऐसे मतलब लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे आमिर आसिफ होता है और उधर ही ये पहुंच के आमिर आसिफ को शूट करके मार देती है जान से। ये इसने बदला ले लिया होता है टाइलर का क्योंकि टाइलर मर चुका है इसको लग रहा होता है। उधर दिखाया जाता है जो ओवी होता है वो 8 महीने होने के बाद, मतलब ये सारा मिशन खत्म हो चुका है और इसकी नॉर्मल लाइफ अब चल रही होती है, उधर ये स्विमिंग पूल में जंप करता है लेकिन जैसे ये मुड़ता है तो इसकी जो खुशी होती है वो रुके से रुकी नहीं जाती है क्योंकि इसे लगता है कि जो टाइलर है वो अभी तक मरा नहीं है। अब जैसे चेक पॉइंट आता है जो सज्जू होता है वो एक ऑफिसर से पकड़ा जाता है क्योंकि वो ऑफिसर उनको पहचान लेता है। अब इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन ये जो सज्जू होता है ये भी आप जानते ही हो कम खतरनाक नहीं होता है, इसके ऊपर एनिमी लोग हेलीकॉप्टर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उधर ही दिखाया जाता है जो निक खान होती है वो भी अपने टीम को ला दी होती है और उस हेलीकॉप्टर को ये लोग उड़ा देते हैं और जो सज्जू होता है वो बच जाता है। लेकिन इधर ही एक स्नाइपर होता है जो कि आमिर आसिफ का होता है और वो ना सज्जू को शूट कर देता है और इधर सज्जू की जान चली जाती है। अब इसके सामने सिर्फ टाइलर बचता है, ये टाइलर के कंधे में भी शूट कर देता है शोल्डर में, लेकिन इतने तक जो निक खान होती है उसे स्नाइपर की लोकेशन पता चल गई थी और निक खान ने शूट करके उस स्नाइपर को मार दिया होता है। लेकिन अब दिखाया जाता है टाइलर के ऊपर, लेकिन जो टाइलर होता है वो जानते ही हो बहुत स्मार्ट तरीके से इनसे डील करता है और ये एक भी बच्चे को जान से नहीं मारता है, सिर्फ इधर उधर फेंक के उधर से बच के एक टनल के अंदर घुस जाता है। और टनल के अंदर घुसने के बाद एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर ना टाइलर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गैरिसन, और वो जो गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम भाई टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को कैसे भी बचा लूंगा। गैरिसन आता है। सो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सट्रैक्शन 2 का क्रू एंड कैस्ट, क्योंकि कैस्ट का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर मूवी के रिलेटेड। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन 2 मूवी आने वाला है 16 जून 2023 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो या हम लोग देखेंगे उस मूवी को, जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्रिस हेम्सवर्थ जानते हो, जो टाइलर का मेन रोल है, मूवी का हीरो है। उसके बाद निक खान भी मूवी के अंदर होंगे पार्ट 2 के अंदर, वो भी महाजन भी होने वाला है पार्ट 2 के अंदर। और न्यू कैरेक्टर्स एज अ कीटा 1 भी होने वाली है। उधर ये टाइलर को लगता है कि हाँ अब जो है इस बच्चे की जान बच जाएगी। टाइलर जैसे गैरिसन के घर पहुंचता है उसमें पे गैरिसन उसे खाना वाना ऑफर करता है और जो अपना छोटा ओवी होता है उसको भी खाना खिला के ये लोग भेज देते हैं ऊपर सोने के लिए। अब गाइज ये लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं गैरिसन और टाइलर, क्योंकि ये एक्चुअली में पहले छोटा मोटा मिशन में काम किए थे और दोस्त की तरह होते हैं। लेकिन जो गैरिसन होता है ना वो एक गेम खेल देता है इधर टाइलर के साथ और टाइलर को कहता है कि जानते हो तुम्हारी जान और मेरी जान और सबकी जान की आफत ये छोटा ओवी है, इसको अगर हमने मार दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने डील किया है आमिर आसिफ से, एक न्यू कैरेक्टर। और उसके बाद याज खान, मेरे को लग रहा है जो याज खान है यही विलन होने वाला है इस मूवी का एक्सट्रैक्शन 2 का। उसके बाद कुटाई से स्टैफ करके कोई एक न्यू कैरेक्टर आई है, उसके बाद जोरब, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद SEB एंड उसके बाद मरियाना, पता नहीं गाइस कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। सो या हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी का न्यू कैस्ट
और एकदम फाइनल कैस्ट के ऊपर, क्योंकि रिलीज डेट आ चुका है और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए। और 100% मूवी जुलाई 16 को देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। तो यार चलो पहले कैस्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पार्ट वन को एक्सप्लेन किया है और उस मूवी का कैस्ट एंड क्रू भी बताना बहुत जरूरी है। सो या जो क्रिस हेम्सवर्थ होते हैं प्ले कर ओवी को, वो मर चुका है। और पार्ट टू के अंदर क्या हमें ये सारे कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ टाइलर और निक खान का ही टीम देखने को मिलेगा? लेकिन गाइस हमें तो लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको जैसे कि पता है रणदीप जो हुड्डा आता है जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे वो भी मारे गए हैं इस मिशन के अंदर। इसीलिए अभी सिर्फ सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो टाइलर है और निक खान की टीम है। और गाइस चलिए हम लोग देख ही लिया जाए सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी है उसका रिलीज डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आरी और टाइलर अभी जिंदा है। और गाइस ये होती है मूवी की एंडिंग, और ऐसे में दिखाया जाता है जो टाइलर है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तो गाइस या आपको अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी 2 के ऊपर, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मूवी 2 होने वाली है वो आने वाली है इसी साल के अंदर। और देखते हैं गाइस टाइलर का जो मिशन है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जानते ही हो अब जो आमिर आसिफ है मेन विलन था बांग्लादेश का जिसने किडनैप किया था, अभी तक बांग्लादेश के अंदर हर गली गली में पता चल गया होता है जो टाइलर है एक वांटेड लिस्ट में आ चुका है। और गाइस हमें दिखाया जाता है ये एक जाके कॉल लगाता है निक खान के पास और निक खान को कहता है कि क्यों उस सज्जू ने मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उससे तो हमारी डील हुई थी। लेकिन निक खान बताती है वो पैसा देने के कारण तुम्हें मार के ही ओवी को उधर से बचाने की कोशिश कर रहा था, और जो ओवी होता है उसे बचा लेता है जाके। ओवी पहले डरता है कि ये कौन है, लेकिन टाइलर बताता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इधर से एकदम सुरक्षित बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसा मिशन था वैसा ही ये लोग करते हैं। टाइलर को इसने मतलब उधर से किडनैपर्स लोगों से बचाने के बाद ये अपने टीम के पास कॉल करता है, और जो खान होती है वो कहती है तुम जंगल के पास आओ, उधर हमारी बोट आ जाएगी, उसमें से तुम लोग बैठ के भाग जाना। अब दिखाया जाता है जो टाइलर है उसी जंगल के पास पहुंच जाता है, और ये लोग बोट पे देखते हैं कुछ कमांडर्स लोग आते हैं, और वो जो कमांडर्स होते हैं वो उन बोट के अंदर जितने भी टाइलर के आदमी लोग बैठे थे उन सबको मार देते हैं। और जो इधर से खान होती है वो कॉल करके कहती है टाइलर को ध्यान रखो बोट के अंदर कोई और घुसपैठिया घुस चुका है और हमारे आदमियों को मार रहा है, तुम बोट में मत जाना। इतने में दिखाया जाता है टाइलर और ओवी के ऊपर भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें रिवील होता है जो सज्जू है ना, सज्जू ने अपने टीम को लाया था और ये हमला करना स्टार्ट कर देता है इन लोगों के ऊपर। अब गाइस हमें थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी रिवील होती है, जो सज्जू है उसने तो पहले निक खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी जो बच्चा है उसको बांग्लादेश से बाहर निकालना है, और जैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो लोग आएंगे पैसा देना पड़ेगा टाइलर को उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन गाइस जो सज्जू होता है उसने एक इधर माइंड प्लानिंग गेम खेला था, पहले तो आमिर आसिफ से लड़ने के लिए टाइलर को भेज दिया, और जैसे बच्चा आया इसने सोचा कि टाइलर को ही मार देते हैं और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और जो ओवी है वो भी हमारे हाथ आराम से लग जाएगा। लेकिन जो टाइलर होता है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो पहचान जाता है ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, और जो ओवी होता है वो भी सोचता है कि क्यों सज्जू मेरे ऊपर फायर कर रहा है, इसीलिए जो टाइलर होता है ओवी को लेके कार में बैठ के भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उधर दिखाया जाता है बांग्लादेश की कुछ आर्मी वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं, वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं टाइलर के ऊपर, और जो टाइलर होता है बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है, इसीलिए वो तुम्हें मार के बिना पैसे दिए हुए हमारे से उसने डील कैंसिल कर दिया है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। अब जो होता है अपना टाइलर वो कहता है निक खान को कि मैं इस बच्चे को किसी के हैंडल अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन इस बच्चे के खिलाफ है और कौन इस बच्चे के हक में है, कोई भी इस बच्चे को अभी मार सकता है, और मैंने जिम्मेदारी ले ली है इस बच्चे की जान बचाने की और मैं कैसे भी करके इसे इंडिया पहुंचा के ही दम लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे कुछ बच्चे लोग हमला बोल देते हैं। अब गाइस इधर टाइलर को ना बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो टाइलर है उसने सोचा था ये जो गैरिसन है वो तो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे दुश्मन से कैसे डील कर सकता है। जो गैरिसन होता है वो तैयार हो जाता है ओवी को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच में टाइलर आके उसे रोकने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है। और आप तो जानते ही हो गए टाइलर कितना ज़्यादा घायल हो गया है, क्योंकि यार इसने बहुत लोगों से फाइटिंग किया, पहले तो गुंडों से फाइटिंग किया, उसके बाद टेररिस्ट से फाइटिंग किया, उसके बाद सज्जू से फाइटिंग किया था, इसका भाई एक एक पुर्जे
पुर्जे में दर्द हो रही थी बॉडी के, इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी टाइलर को, इसीलिए जो गैरिसन होता है टाइलर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और टाइलर को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय पे जो ओवी होता है वो एक गन ला के गैरिसन को शूट कर देता है। और गाइस इसी में सही समय देख के जो सज्जू होता है वो भी हमला बोल देता है टाइलर के ऊपर। और गाइस इधर दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक एक बैटल जहाँ पे एक इंडियन पैरा कमांडर और टाइलर के बीच में होता है। इधर दिखाया जाता है जो गैरिसन है वो मर चुका है और जो टाइलर होता है उसकी जान बच गई है। इस बच्चे की हम लोग कैसे भी करके जान बचाएंगे। अब गाइस ये जो टीम अप थी ना बहुत स्ट्रांग हो गई थी क्योंकि दोनों लोग बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं। जो टाइलर है वो पहुंचने वाला है निक खान के टीम के पास, लेकिन उधर ही वो आपको याद है जो बच्चा आया था उस बच्चे ने टाइलर को शूट कर देता है और जो टाइलर होता है वो ब्रिज से पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो इधर निक खान की टीम होती है वह लोग ओवी को इधर से रेस्क्यू करके चले जाते हैं और आमिर आसिफ ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है अपनी निक खान क्योंकि ये अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे सोल्जर टाइलर को खो चुकी है इस मिशन के अंदर। सो या गाइस जो रिलीज डेट होने वाली एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की वो है 16 जून 2023। या गाइस ये थी अबाउट एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो को अब एग्जिट कर सकते हो क्योंकि मैं अब इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूँ जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आता है और बोरिंग पार्ट होता है ऑब्वियसली हर वीडियो का जो कि मेरे वीडियो होते हैं। रहते हैं टाइलर रेक का और रणदीप हुड्डा एज अ सज्जू का कैरेक्टर। उसके बाद रुद्राक्ष जायसवाल जो था वो था ओवी महाजन, वो जो लड़का होता है। उसके बाद पीयूष खाटी अर्जुन का रोल। उसके बाद नेहा महाजन एज अ नाइसा रैव। उसके बाद सारा रोमा वो जो क्यूट गर्ल होती है। उसके बाद प्रियांशु एज अ आमिर आसिफ। उसके बाद जो स्नाइपर आपने देखा था उसका नाम था शाफ्ता फिगर एज अ सिल्वर हेयर्ड कलर मैन। गाइस सिल्वर हेयर्ड कलर मैन पंकज तिवारी एज अ ओवी महाजन एसआर, मतलब उसके जो फादर होते हैं ओवी महाजन के। उसके बाद एडम बेसा एज अ याज खान। नहीं गाइस जैसे मैंने बोला था आपको पार्ट 2 के अंदर जो विलन होने वाला है याज खान वो नहीं होने वाला है क्योंकि उसे हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर भी देखा है तो पार्ट 2 का विलन नहीं हो सकता है। पार्ट 2 का विलन कोई न्यू होने वाला है। एंड गाइस इस मूवी की जो क्रू एंड कैस्ट लिस्ट है बहुत बड़ी है। तो या जो मेन कैरेक्टर्स थे मैंने उन सब लोगों के बारे में आपको बता दिया। एंड ये था अबाउट पार्ट 2 डिटेल्स। सो या अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट पार्ट 2 मूवी का एक्सट्रैक्शन सो मेक श्योर करो आप कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।